और फिर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहां से आएगा? देखो बहुत से सोर्सेज हैं, एक तो रेवेन्यू आता है टैक्स से, ठीक है, हमारा जो टैक्स पे करते हैं उसी होगा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा हम लोन लेते हैं बहुत ही बड़े स्केल पर, फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, बहुत से आज के समय फॉरेन पेंशन फंड्स हैं वो भारत में निवेश करना चाहते हैं। फिर उसके अलावा जो जापानीज लोन्स हैं ये मिल जाते हैं सुपर लो इंटरेस्ट रेट्स पर, आई मीन जो इंटरेस्ट रेट्स हैं प्रोजेक्ट्स के, मैं कहूंगा दे आर जस्ट डर्ट चीप। अभी फॉर एग्जांपल जो बुलेट ट्रेन का आपको याद होगा शिंजो आबे जब पीएम थे जापान के, उस वक्त 88,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था टू इंडिया, इंटरेस्ट रेट क्या था 0.1% इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे ही आप अगर ये देख लो जो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की वेबसाइट है, इनके इंटरेस्ट रेट ये है कि चाइना की तरफ बातें नहीं है, बता देते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा 0.6% 0.7%, एब्सोल्युटली लो इंटरेस्ट रेट पर ये लोन मिल जाएंगे और ये हमारा अमाउंट इकट्ठा होगा और इसको निवेश किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली ये हो रहा है, जो कि पीएम मोदी इसके बारे में 3 साल से बोल रहे हैं, आपको याद होगा अभी गति शक्ति अब आई है, मगर आपको याद होगा इससे पहले कम से कम 2019, 2020, 2021 तीनों बार पीएम मोदी ने 16 करोड़ की बात करी, फाइनली ये सब मटेरियलाइज हो रहा है। 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। अब जो बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना। तो देखिए गति शक्ति नाम बहुत ही बढ़िया दिया है और बस इस पे अब काम स्टार्ट हो जाएगा। वी आर विटनेसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। और खाली अपना ये भी याद कर लो